नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया? ओ मैं आपका दूर का रिश्तेदार सनी, सनी। हाँ अंकल का दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है भाई, निकलो यहाँ से। ये आपका नौकर बड़ा बदतमीज है, इसे कहो मेरा मुंह ना लगे। अंकल इतने चुप क्यों है? खुशी में चुप नहीं है, बीमारी ने मुंह बंद किया है। बात तू चुप कर। अंकल जी मैं सनी खुराना साहब का बेटा। कौन खुराना? कौन खुराना जरा बताना। गुरदासपुर में आपके घर के सामने से एक सड़क गुजरती है। हर घर के सामने से एक सड़क गुजरती है और नुक्कड़ पे आकर वो मुड़ जाती है। दुनिया में कोई सड़क सीधी नहीं, सब मुड़ती हैं। और कहा जाती है बोलो? तुम बोलो। सीधे इनके यार के घर पे। कौन यार? खोसला साहब। हाँ, अभी तो खुराना बोला। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। टेस्ट कर रहा था। अंकल जी आप जानते हैं जब मैंने किसी से पूछा ना आपके पते के बारे में तो सबने कहा कि गोवा में सिर्फ एक ही शरीफ और ईमानदार लौंडे का घर है, वो है आपका। अंकल लौंडा, ये भी झूठ। देखो सच सच बताओ यहाँ क्यों आए हो? जी मुझे एक कमरा चाहिए रेंट पे। यस। वो कह रहे हैं मैं नहीं रख सकता, यहाँ से जाओ। अंकल जी वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं रख सकता, यहाँ से जाओ। बहुत गुस्सा कर रहे हैं। देखो अब बोल यहीं पे रुक जाओ। चलिए आज आप गूंगे हैं तो मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ हो आते हैं, कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा। आंटी जी रिश्तेदार? तो ये कौन है? अरे कौन हो तुम? सनी, सनी। सनी नहीं शनी। ए तू चुप रे चुप। अंकल जी आपको मेरी कसम आंटी को मत बताना मैं कहाँ से आया हूँ। अरे अंकल जी को खुद नहीं पता, वो आंटी को क्या बताएंगे। आंटी जी मैं यहाँ का किराएदार हूँ, ये लो 10,000 रुपए, ये 9,999 रुपए भी लो, संभाल के रखना। और मैं जरा थका हुआ हूँ, मुझे कमरा बता दो, दूसरे मोहल्ले में चलो मैं छोड़ के आता हूँ। हो गेंद पकड़ से ले गया ऊपर। डार्लिंग मेरी बात तो सुनो। रोज तो नहाते हो ना? देखो क्या है, आज थोड़ी ठंडी पानी से नहा लो। देखो पहले हम लोग बैठ के समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे कार्रवाई करते हैं। लो तो अब पानी के बदले कपड़े भीगे हुए हैं, क्या कर रही है? अरे थोड़ी बात रुको, तो मेरी बात तो सुनो। अब देखो पूरी अरे 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 यार अरे अब तो अरे अरे एक बार मत दो मां। अरे ऐसे थोड़ी मन्नत पूरी हो जाती है? 1000 परिक्रमा करनी हो गया है। जल्दी आओ। जैसे कपड़े पहने थे उनका सत्यानाश कर दिया तुमने यार। भगवान आप तो खुश हुए होंगे। जय हो रब्बा। हाथ जोड़ो। चलो अब तुम परिक्रमा लगाओ, मैं यहाँ बैठ कर देखती हूँ। चलो थोड़ी देर में चलो। मुझे पानी में डुबा खुश तो बहुत होंगे आप। अरे थोड़ी आग माग जलवा दो। चंदर मजा आ रहा ना आपको? मैम कितना मजा आता है, कौन बता देता इन महिलाओं को? जुड़वा बच्चे पैदा करेगी, एक नहीं ऐसे बच्चे पैदा करूंगा इससे, 10-12 साले और पैदा करके टिकट में लगा दूंगा इसकी। ऐसी तैसी मार भगवान बच्चा ले परवा, पता लग गया इसके तिल नहीं है। ये तो बहुत बड़ा चंदर। जब शीना मैडम को गाड़ी से उतरा ना तो रोनी रोने का चेहरा देख निकला, लाल हो गया टमाटर जैसा। अच्छा भी है जलस हो गया लेकिन। अब क्या है ना बबलू, मेरे को रोज शीना मैडम लिफ्ट देगी। ये बहुत बढ़िया। अरे बढ़िया क्या, तू हार गए इधर। अरे साला चेहरा क्या दे। 1990 का गाना गाता रे, 2010 इधर। अरे बेनी इस गाने बहुत बड़ा हंगामा हो गया। क्या बोल रहा है तू, तेरे लेडी बॉय में क्या हंगामा होगा? सब उधर लगुल 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 रेगुलर। हाँ रेगुलर होता है सब कुछ उधर, क्या बोल रहा है तू? दिल में उतर कर देखो ना। फिर क्या हुआ बार में? अरे हमारे बार में एक कस्टमर आता है एकदम बुढ़ा, वो काढ़िया। आ गया तेरा हीरो। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो। छी ये बुढ़ा। चेहरा तेरा आसिक तेरी कमर की तरफ बढ़ रहा है। दिल में
ईशा उसे जाकर बोल, ये उम्र उसकी कमर की तरफ नहीं कबर जाने की है। देखो ना मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। आज तो बुड्ढा फुल फॉर्म में है। आज तो ओल्ड इज बोल्ड। पक्का आशिक है अंकल। कोई चाचा को वाइग्रा दो ना। अर्थी की लकड़ियों के साथ साला। बबलू, मोहब्बत कभी नहीं करना, मगर हो जाए तो पीछे कभी नहीं हटना। हाँ तो बच्चों, क्या कहा था मैंने? टीचर, देर से आए हो, वही खड़े रहो। अर्जुन ने धनुष उठाया, अर्जुन ने धनुष उठाया, और मछली की आँख साधी, मछली की आँख साधी, अर्जुन ने धनुष उठाया, अर्जुन ने धनुष उठाया, और मछली की आँख साधी, और मछली की आँख साधी। कितनी बार धनुष उठवाएंगे आप कहिए? अर्जुन ने धनुष उठाया और मछली की आंख देखी और फिर राधिका से शादी कर ली। आप कौन? मैं अर्जुन, मैं चंदर, लेडी टेलर, मुझे राधिका जी से मिलना है। मैं ही हूँ राधिका। अरे आप मजाक मत करिए, मुझे राधिका जी का पता है। मैं ही हूँ राधिका। अरे छी, आप राधिका कैसे हो सकती हैं? मुझे खूबसूरत राधिका से मिलना है। थप्पड़ भी नहीं मार पाई। आपके गाल पर क्या हुआ? राधिका टीचर के बारे में पूछा तो गाल पर बिहार का नक्शा बना दिया। ये भूगोल की टीचर है क्या? देखिए, इनका नाम भी राधिका है और मेरा भी नाम राधिका है। वो जनार्दन भाई के यहाँ कौन रहने आई है? जी मैं रहती हूँ। क्यों? आप हेलो। अच्छा तो राधिका जी आप निकली। जी लेकिन आपको मुझसे क्या काम है? वो केपुआ सपा टपोरी नटप जी, मुझे साउथ इंडियन नहीं आती, आप हिंदी में बोलिए ना। वो मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। अच्छा इतनी सी बात, लीजिए ना ये काफी। नहीं 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 ये नहीं, वो मुझे ट्यूशन लेनी है। अच्छा आपके बच्चे कहाँ हैं? उसी के लिए तो ढूंढ रहा हूँ। मेरा मतलब मैं आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी कैसे करूंगा? जी मैं नहीं, मैं पढ़ूंगा नहीं लिखूंगा नहीं तो आपसे शादी कैसे करूंगा? मेरा मतलब आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी कैसे करूंगा मैं? अब ना मत कहिए प्लीज। ठीक है मैं सोच के बताती हूँ। थैंक यू टीचर। सुनिए ना जी, आप सोच लीजिए, मैं कंपाउंड के बाहर रहूंगा। बेटा बेटा सुनो, मेरी बात तो सुनो बेटा। अरे एक मिनट रुको तो। अरे बेटा अंकल की बात तो सुनो। अरे सुनो 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 बेटा, एक मिनट बेटा। अच्छा बेटा वो राधिका टीचर, कैसे कैसे बच्चे पैदा टीचर? आप कैसे आ गए? नहीं गया था और ब्लाउज सिल के लेके आ गया। इतनी जल्दी? ये कोई ब्लाउज देने की जगह है क्या? स्कूल में बच्चों के सामने देता तो अच्छा लगता क्या? ठीक है कितने हुए? 30 रुपए ना? नहीं नहीं 20 रुपए, पूरा शहर 20 ही लेता है। 20 रुपए 20 रुपए। अच्छा इतनी मेहरबानी क्यों? कहीं ट्यूशन लेने के लिए कोई तरकीब तो नहीं मुझे इम्प्रेस करने के लिए? ये 2 ब्लाउज किसका है? ये भी आपके लिए। नहीं मैंने एक ही ब्लाउज सिलने दिया। नहीं मैंने 2 सिल दिए। क्यों? आपका शेप बहुत अच्छा है। मुझसे ट्यूशन लेने की बात करते हो और बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? नहीं 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 चुप है इडियट। और उसको कैसे बात की जाती है ये तक पता नहीं मुझे। मैं लेडीज गंदी केली साला कुत्ते की तरह तो। क्या हुआ गुरु, मुझे क्यों मार रहे हो? तुझे क्यों मार रहा हूँ? ये चारपाई किसकी है? तेरी। ये बिस्तर किसका है? तेरा। ये चादर किसकी है? तेरी। तो इस पर सोएगा कौन? मैं। अरे तेरा मर जाओ तू। अरे अरे मार क्यों रहे हो गुरु? और एक किलकवे जैसा मुंह क्यों बना रखा है? इसे वापस मुंह में ले सकता है? नहीं, नहीं,
ऐसे मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया राधिका के लिए, मैं क्या करूं? इसमें प्रॉब्लम क्या है गुरु? आंखों में आंसू लिए, होठों पे सॉरी लिए, राधिका के पास पहुंच जाओ और दंडवत प्रणाम करो। अच्छा, और बोलो बहन जी माफ कर दो। राधिका को बहन जी बोलो? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब मैडम माफ कर दो। माफी देना तो हिंदुस्तानी औरतों का जेवर होता है गुरु। प्यारे मेरे नाम दुलार है, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया। तू मेरे साथ बचपन से काम कर रहा है, लेकिन आज मुझे तुझे कुछ देना चाहिए। दे रहे दुरुस्त है गुरु, दे दो। आज से मैं तुझे तू नहीं आप कहूंगा। आजा गले लग जा प्यारे। हाँ, 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 आप सो जाओ, मैं काम निपटा के आता हूँ, सो जा। गंध मारता है प्यारे। सारे गणित लगा दिए भगाने के। नजारा है। अच्छा समीर, जानबूझ के दरवाजा बंद रखता था कि मैं ना कुछ देख सकूं, लेकिन हम भी वो हैं जो दूर से भू को सूंघ लेते हैं। क्या माल है यार? माल मत बोल तू से। क्यों, तेरी कोई लगती है क्या? नहीं, ये शरीफों का मौला है, और बाय द वे ये बहुत शरीफ नेक और पाकीज़ा किस्म की कन्या है और कर्नल की बेटी है, वो सुनेंगे तो तुरंत गोली मारेंगे। हाँ। ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे, सीने पे। पागल है, तुम मत कूदो। क्यों? तुम्हारी महादशा पहले से ही खराब चल रही है, तुम जाओगे अच्छे के लिए और गिरोगे कर्नल के ऊपर। हाय चेक्स, ये तो घर में घुस रहे ना। मेरा गणित कहता है इनको टॉमी बाहर ही काटेगा। वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली, वेरी गुड डॉगी। तो अंदर चला गया। अरे तुम फिकर मत करो, मेरा गणित कहता है एक मिनट में कर्नल इनको बाहर फेंकेंगे। क्या नाम है आपका? टॉमी। अरे बड़ा अनोखा और नया नाम है। पेरी पेन अंकल जी। कौन हो तुम? सनी। और क्या चाहते हो? अंकल जी मैं बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ। अभी अभी मोहल्ले में आया हूँ, इंक्वायरी की तो पता चला सबसे शरीफ और ईमानदार लौंडे आप ही इस मोहल्ले में। लौंडे? और क्या, अपने आप को देखो, अच्छे खासे लौंडे शर्मा जाए आपको देख के। और एक मिनट, ये आपके कान में और ये पट्टा कैसा ब्रदर? मत पूछो, सोचता हूँ तो मेरा खून खोलता है। गणित गलत हो रहा है। अरे क्या कर रहे हो? मत करिए, मैंने अरे क्या कर रहे हो? अच्छी खासी हड्डियां ठीक कर दी है। ये तो छोटी सी लचक है, ध्यान से सीधे देखिए ये। अब बोलिए कैसा लग रहा है, सच बताइए। अच्छा लग रहा है ना? हाँ भाई, तुम किनके घर रहने के लिए आए हो? ये आपके पड़ोस में डुगल साहब के यहाँ। जिसने मेरी गर्दन तोड़ी है ना, वो कमबख्त वही रहता है। गुस्सा नहीं, मैं उसी के रूम में रहता हूँ। जानता हूँ बदतमीज है, सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए बुजुर्गों के साथ। वो तो इत्तफाक से बॉल लग गया। अरे डार्लिंग, ये क्या हो रहा है? तुमने मसाज वाला कब से रख लिया? ना, आजी ना, से। ना डार्लिंग, ये मसाज वाला नहीं है, ये बहुत अच्छा लड़का है, इसका नाम है सनी। हमारे सामने दुग्गल साहब के घर में रहता है। अच्छा अच्छा। एक बात कहूँ, ये जो मसाज है ना, कभी बंद कमरों में नहीं होता, इसके लिए ओपन गार्डन चाहिए या टेरेस गार्डन, ऐसी जगह तो कमाल। हाँ। लेके हमारे पास है ना टेरेस गार्डन। नहीं सची? हाँ। कहाँ? ऊपर। अरे मैं देख सकता हूँ। हाँ। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे सनी। विकेट सनी। विकेट। क्या खा लिया इसने? ये तो नृत्य मुद्रा में जा रहा है सनी। कन्या की तरफ। Wicked Sunny. Sorry. Hi. Sunny. A flower for a beautiful lady. Thank you. Pleasure. देखो, तुम्हारी लव स्टोरी इस खिड़की से शुरू हुई और कर्नल के कान पे जाके खत्म हो गई। इसकी लव स्टोरी हाथ मिलाने से शुरू हुई और सुहागरात की सेज पे जाके खत्म होगी। बच्चा सुनो सुनो, हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। हाँ, अब देखते कौन किसको हराता है।
चलो चलो भागो 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 लगड़ी 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 चलो चलो सब चलो। ये बेटा सुनो, ये लेकर राधिका टीचर को दे दो जाके। चलो चलो किसने दिया ये? पता नहीं मैडम, जाकर बुलाओ। मैं पहले से यहाँ हूँ। नमस्ते टीचर। ये क्या है? ये लव लेटर है। क्या? मेरा मतलब सॉरी लेटर है, कल मैंने मिस्टेक की थी ना, इसलिए सोचा लेटर लिखकर सॉरी मांग लो। सॉरी टीचर। लेकिन ये हैंडराइटिंग है, ये मुर्गी की टांगे। अनाथ हूँ, किसी ने सिखाया ही नहीं, वैसे भी अनाथ बच्चों को कौन सिखाता है। ठीक है, लेकिन ये है क्या? नमस्ते टीचर, वो क्या है कि वो छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, अल्प विराम, पूर्ण विराम, बिंदी, किसी का किसी से कोई संबंध ही नहीं है। हर जगह व्याकरण में गलतियाँ। तुम्हें तो अपना नाम तक लिखना नहीं आता। ये देखो, चंदर की जगह तुमने चद्दर लिख दिया है। चंदर के ऊपर की बिंदी कहीं तुमने शर्ट का बटन समझ के शर्ट पे तो नहीं लगा दिया ना? इसीलिए तो प्राइवेट ट्यूशन के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था। ठीक है, कल से आ जाओ, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। नमस्ते भाई। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या नया नाटक है? टेलरिंग छोड़ के सर्कस में भर्ती हो गया क्या? वो भाई जो पढ़ता लिखता नहीं, वो जानवर बराबर होता है। हाँ तो ठीक बात है ना, इसलिए राधिका। राधिका? नहीं, इसलिए राधिका टीचर के पास मैंने ट्यूशन लगाई है। वो बहुत स्ट्रिक्ट है ना, अगर यूनिफॉर्म पहन के ना जाओ तो प्राइवेट ट्यूशन में ना। प्राइवेट ट्यूशन? नहीं, ट्यूशन तो पब्लिक ही है, लेकिन वो प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहती है, और पब्लिक ट्यूशन में लेट नहीं जाना चाहिए। तो मैं जाऊँ नहीं तो लेट हो जाऊँगा तो राधिका जी मारेंगी। अरे जाने देना जीवा इसको। ए जीवा, अब इस पे नजर रखना। अरे भैया, इसका ऊपर तो हम आंखों में तेल डालकर नजर रखेंगे। चंदर जी, जी क्या देख रहे हो? तेल ढूंढ रहा हूँ। साफ कर रहा हूँ, धूल साफ कर रहा हूँ। करने की जरूरत नहीं है। ये क्या पहन कर आए हो तुम? ये स्कूल की यूनिफॉर्म है टीचर। ठीक है, आज के लिए ठीक है, लेकिन कल से ये सब नॉर्मल कपड़े पहन कर आना। ठीक है, ठीक। चलो बैठो यहाँ पे जी। अच्छा, पहली बात मुझे ये बताओ, तुम कहाँ तक पढ़े हो? मैं पहली में एक बार फेल हुआ, दूसरी में दो बार फेल हुआ, तीसरी में तीन बार, चौथी में चार बार, पांचवी में एक बार। अच्छा, पांचवी में एक बार क्यों? उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया। छोड़ दिया? हाँ। बहुत अच्छा किया। अच्छा, पांचवी तक पढ़े हो, कुछ तो तुम्हें आता होगा, कुछ तो सीखा होगा तुमने, कविता या कोई देशभक्ति गीत? हाँ, देशभक्ति गीत आता है, देशभक्ति आता है। अच्छा सुनाओ। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए दिल में है। तिल में नहीं चंदर, का तिल में। अरे यही मेरी तिल की प्रॉब्लम है। हा? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा, और हाँ, तुम तो लेडीज टेलर हो, तो तुम तो गणित में बिल्कुल पक्के होगे ना? हाँ, गणित बिल्कुल पक्का हो, मुझे 12 का आधा पहाड़ा आता है। आधा? चलो मेरी किस्मत। चलो सुनाओ। 12 एकम 12, 12 दूनी 36, 12 तीया 24, 12 चौकू 36, 36 पंजे 24। बस बस बस, तुम मुझे पहाड़ा सुना रहे हो या किसी की मेजरमेंट बता रहे हो? टीचर जी, लेडीज टेलर हो ना, तो मुझे 24 36 का आंकड़ा बहुत अच्छे से याद रहता है, वही फंसा रहता है जवान में। देखो ना, तुम देशभक्ति गीत ठीक से गा पा रहे हो, ना तुम पहाड़ा सुना पा रहे हो। क्या पढ़ा है तुमने अभी तक? मायापुरी पढ़ा है मैं। कौन सी मायापुरी? मैं तिल वाले तिल ले जाएंगे, हमारा तिल आपके पास है, तिल तो पागल है। ये तिल क्या? तुम देखो, ये किताब लो। हाँ। इसके जो पहले 5 लेसन्स हैं, कल तुम एकदम से पढ़ के सीख के आना जी। अगर तुमने ये होमवर्क नहीं किया चंदर, हाँ।
तो मैं तुम्हारी ट्यूशन नहीं लूंगी। और जो तुम्हारा तिल है ना, उसे घर पे छोड़ के आना। ये लो पकड़ो। तिल ने मुझे बर्बाद कर दिया। एक बात बोलूं आपसे? बोलिए। आप मेरी टीचर हैं, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। हमारा एक बहुत बढ़िया रिश्ता है, तो उसमें आप मत बोला करिए। आप बड़ा पुराना और पराया लगता है। आप मुझे तू बोला करिए, मैं आपको तू बोला करूंगा। चंदर, मैं जानती हूँ ये तुम्हारी प्राइवेट ट्यूशन है, लेकिन मैं इस ट्यूशन को इतना भी प्राइवेट नहीं करना चाहती। अभी तुम जाओ, कल टाइम पर आ जाना। टीचर जी नमस्ते। नमस्ते। इतने परेशान क्यों हो? खाना भी नहीं खाया, लगता है गैस हो गई। लो ये चूरन खा लो। क्या है? अरे चूरन। अच्छा, मेरे को लगा मिठाई है रे, बांटते फिर रहा है ना तू। ठीक है, नींद आएगा तो सो जाएगा मैं। हाँ पता है। ये लाल तेल है, ठंडा ठंडा कूल कूल लगा के सो ना, सब ठंडा हो जाएगा। मेरे सर पे क्यों कड़ा है रे तू? सोने तो दोगे? मेहरबानी। अरे जरा इसमें तिली भी लगा देना, जरा कछुआ छाप है। लगाता। हाँ भगवान। तेजा आयला कितना अजीब इंसाफ है देखो हमारे देश में है? एक आदमी अगर कोई पेड़ काटेगा ना तो लोग बोम्बा बोम करता है, कुत्ते को या जानवर को मारेंगे ना तो लोग हंगामा खड़ा करते हैं, लेकिन इधर एक किसान आत्महत्या करेगा तो किसी को कुछ बड़ी नहीं है। अब आज से आगे कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो भगवान मुझे माफ कर दे, मैं अपने कर्तव्य में चूक रहा हूँ, ऐसा मुझे लगेगा। किसानों के हक के लिए लड़ते नेता राजनाथ गायकवाड़ के साथ मैं रमेश ठाकुर। हमारी नई सदी की जवान पीढ़ी के लिए ड्रग्स किसी खतरनाक फैलते वायरस से कम नहीं, मैं इसे हर हाल में रोकने की कोशिश करूंगी। मैडम तो मेरे होटल में आता है ना। हे बबलू, अरे वो क्या हुआ? उधर मैं सोने की कोशिश कर रहा है, तू खराटे मारता है। इंसान क्या जानवर सो नहीं सकता इधर? खराटा ना है। फिर खराटा आया? पहला खराटा था, अब हंसी आ गया तेरे को, ऐसा गमछा लगा के सोता रहा तू। भाई सो जा सो जा सो जा। ये तू कब तक सजेगी यार? डिस्टर्ब मत करो। जनार्दन भाई यहाँ है। तुम क्या कर रहे हो यार? अरे तुम अभी क्या कर रहे हो यार? जनार्दन भाई यहाँ है। अरे नहीं नहीं अभी तुम चलो, तुम्हारी एंट्री नहीं, तुम्हारी थोड़ी देर बाद है यार। अरे जाओ तो यार, तुम डिस्टर्ब मत करो यार। टीवी देखे 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 राधिका टीचर का नाम लेता है। हाथ आगे करो। लो। ए, अरे तू क्या सच में राधिका है क्या? राधिका होती ना तो छड़ी से मारती। अच्छा चलो ठीक है। हाँ। राधिका जी मुझे तिल दिखा दो ना। तिल नहीं है, मस्ता है, चलेगा? नहीं 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 मस्ता नहीं चाहिए, मुझे तिल चाहिए। तिल ये यहाँ वाला तिल। यहाँ तिल दिखाओ ना, दिखाओ। जनार्दन भाई से पूछूं? जनार्दन भाई यहाँ है। अरे तुम्हारी एंट्री अभी नहीं है, तुम्हारी एंट्री बाद में यार। अरे चलो यार, तुम मैं गड़बड़ कर देता यार। अरे एफटी भी ज्यादा गड़बड़ करोगे मैं अभी क्या बेइज्जती आने लगूंगा तुम्हें। यहाँ आ जाओ राधिका। राधिका मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ राधिका। करो जितना करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो वीरशरफ हूँ। आ गले लग जाओ। राधिका राधिका दिखा दे तिल, मिल जाएंगे दो दिल। दिल देखना है एक मिनट। हाँ दिखा दे दिखा दे दिखा दे। ये तिल है क्या? अफीम का अंटा। चल तू वो सब छोड़, सुन राधिका मैं किस कर सकता हूँ? किस करो लेकिन काटो मत। हाँ काटने के लिए मैं जनार्दन भाई हूँ क्या? अरे मारे उसको, काटते पीटने की बात फोन कर रहे हो है? खबरदार हमारे को एंट्री ना बता, हमारी एंट्री हो चुकी है। जनार्दन भाई को बता रहा है एंट्री कौन सी होती है। मैं जनार्दन भाई से क्यों डरूं, इसकी तुम्हें ऐसी तैसी करता हूँ। जनार्दन कॉलोनी में कोई किसी से प्यार करता है तो तेरी क्यों? अरे पागल हो गया क्या? अरे अरे राधिका इसको समझा। जनार्दन भाई को मार रहे हो।
ये कौन है? मैं जीवा। कौन है? जीवा। हाँ हेलो। हाँ अरे ये आ गयो मारो जीवो। ये जीवा है? अरे वो झाड़ू पे खड़े हुए तिनके तेरी तुम्हें आंखें ना चुनूंगी। अरे 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 मैं सोचा था यार इंटरवल के बाद मेरे को मिलेगी मिठाई या तो और ले मेरी मिठाई। अरे मेरे को क्यों मार रहे हो यार? अरे यार राधिका तू भी मेरे को मार रही है। अरे बेटी गंगा में हाथ धो ली है। राधिका हे मारे सामने राधिका को छू रहे है तेरी इतनी हिम्मत। अरे मारा जीवो तू क्यों कर रहे हो? ले तुम मारे को क्यों मार रहे हो? सारी को मैं तुम्हारी इसी की पैसी साले साले तू गुंडा ये साला चमचा तेरा खानदान कुत्ते का भू तू साले गोबर ये गोबर पड़ा हुआ कीड़ा। अरे तो कीड़ो है ना तो कीड़ो निकाल देते। ले निकाल कीड़ो निकाल निकाल। अरे साला ये छोड़ देता हूँ मैं तुम लोग की मदद कर रहा लाओ जीवा बन के मुरली बजा के परफॉर्मेंस कर रहा लाओ लेकिन क्या फायदा तुम लोग ही मेरे को मार रहे हो यार। जो मैं नहीं खेलता तुम लोग के साथ नहीं खेलता मैं क्यों लगड़ा रहा हूँ। देखो बड़ी सावधानी से समीर एक बार फिर से बोलो। कर्नल साहब आई एम सॉरी मैं ब्लडी फूल था ये फूल स्वीकार करके मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ भाई चलो माफ कर दिया। कर्नल साहब आवाज कहाँ से निकालते हैं? पता नहीं। ये कहाँ से आ गया? उठिए ना आ गए। कितना हुआ भैया? कौन नहीं है सोते हुए महानुभाव? ये सिक्योरिटी गार्ड है मुझसे अड़ रहा था मैंने इसकी 3 महीने की नाइट ड्यूटी लगा दी। तभी अपनी पत्नी को लेकर सिफारिश के लिए आए हैं। मामा जी व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हो भांजी? कितने पतले हो गए मामा जी। क्या क्या बताऊं क्या क्या गुजरी है इस बंदे पर। रानी का मामा ये आदमी तुम्हारी जिंदगी में उजाला ला सकता था लेकिन तुमने तो उसे पहले ही अंधेरे में ढकेल दिया। अरे जीजा जी ये आपके सारे बदन पे मरहम पट्टी कैसे? सनी बेटा ये हमारे साले साहब हैं। अबे हरामखोर इतनी मुद्दत के बाद शक्ल दिखा रहे हो। भैया मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? एक ही शहर में रहते हो और महीनों तक अपनी बहन से मिलने नहीं आते हो। अरे बहना एक ही घर में रह के बीवी से नहीं मिल पाता तुम शहर को लेके बैठी हो। क्या मतलब? अरे कमीना मैनेजर आया मुझे 2 महीने से नाइट ड्यूटी पे लगा रखा है। दिन में सोते हैं रात में उल्लू की तरह जागते हैं पेट में गैस हो गई है एसिडिटी हो गई है देखिए आंखों के नीचे काले गड्ढे भी पड़ गए हैं। वो सब तो ठीक है लेकिन ये कमीना मैनेजर है कौन? वो भी ठीक है आप है कौन? मामा जी ये सनी है सामने वाले घर में रहते। अच्छा अच्छा बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर सनी। अरे वो भरत मिलाप तो होता रहेगा लेकिन आप किसी मैनेजर के बारे में कुछ कह रहे थे। अजी छोड़िए ना नाम भी याद मत दिलाइए उस कमीने का। इधर देखिए ना किया क्या उसने मेरा जीना हराम कर रखा उसने। नाम क्या उसका? अबे शनी चुप सुनो सुनो समीर। अंकल जी अपना समीर आपका पड़ोसी साथ में रहता है रूम पार्टनर है। क्या समीर सामने रहता है? हाँ फकीर सामने रहता है। फकीर नहीं समीर जिसने आपको टूंडा किया है अब इनके पीछे पड़ गया वो। देखो ना बोलो। ओह वो कमीना तो मेरे सारे खानदान के पीछे पड़ा हुआ है। समय तुम्हारे अनुकूल नहीं है समीर फूलों को भूलो कर्नल को छोड़ो मामा को बटाओ। अरे अब तो हम एक दूसरे को खूब जानते पहचानते हैं तो फिर शर्माना कैसा? हम तुम्हारी खूब प्यास बुझाएंगे। अयो बाबा क्या हुआ? क्या कुछ नहीं रे कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ है नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे तो फिर ऐसे कैसे हड़बड़ा के? ऐसी रे कुछ नहीं ऐसी हुआ। लेकिन हमारे यहाँ आज बहुत कुछ हुआ। ये लो खाओ खाओ। क्या है? हेमा का जन्मदिन था तो हम सब ने खूब मिलके जन्मदिन मनाया। पता है वहां सब अनपढ़ है लेकिन एक एक के पास प्यार बांटने की डिग्री है। प्यार बांटने का डिग्री तो है लेकिन कितना डिग्री में प्यार बांटते है वो प्रॉब्लम है। गलत जगह काम करने का ये मतलब नहीं है कि वो भी गलत है। तू बोलता था ना बार बार देखो लेट बबलू का लेडीज बार देखो। देखा हमने हर एक लड़की को करीब से उनकी उनकी जिंदगी को उनके हालात को समझा है हमने। वहां वो उनकी मंजूरी में भी उनकी मजबूरी को महसूस किया है हमने। बहनी बात करते हो वहां कोई जबरदस्ती किसी से पैसे नहीं मांगता है सब अपनी मर्जी से उन्हें देते। बुराई वहां काम करने में नहीं है
बुराई लोगों की सड़ी सोच में है। अरे वो खाली मैं, अरे तू तू भी ना, इतना क्या भड़कता रे तू है। ट्रे छोड़ ना यार, इधर आ इधर आ, ऐसे कैसे बात कर देते हो। ये वो दिल का बॉटम ओ कोने से मैं सॉरी बोलता तेरे को मैं। ओके चाय पिएगा? ग्लूकोज बिस्किट भी खाऊंगा। उंगली दिया तो हाथ भी पकड़ने का बबलू अन्ना। उनको गलत मत समझो। ओके बबलू अन्ना अब खाओ।